सत श्री अकाल जी। उम्मीद है सारे भी ठीक ठाक होणगे। सो बई अज की इस वीडियो च बई बहुत सारे वीरां दे जिहड़े कमेंट आउंदे हैगे अपने को रिप्लाई नहीं हुंदा बई अज कुछ कु कमेंटां दे जिहड़े आ रिप्लाई आ वह बई मैं कर दिंदा वा। बाकी जिहड़े आ नैक्सट बई वीडियो दे विच आ और रिप्लाई है जिहड़े वह कर दांगे क्योंकि बई बहुत सारे कमेंट आउंदे आ बहुत कमेंट जिहड़े मेरे को सॉरी है बई नहीं जिहड़े रीड हुंदे क्योंकि बई मैं भी थोड़ा काम ते बिजी रहिंदा वा। उस तो अलावा जे बई बहुता तुहानूं बई कोई जरूरी आ तो तुम बई जे व्हाट्सएप नंबर से जोड़ा वा उत्ते अपना मैसेज आ वो छड़ सकते कमेंट छड़ सकते फिर बई जो मैं ता वा वो जो भी मेरा टाइम लगेगा तो मैं रिप्लाई है जोड़ा वा वो कर दाँगा। तो कुछ क कमेंटा के बई जे आए है मैं रिप्लाई कर दिना वा। एक बई ने पूछा है भी बई मैं भी आबू धाबी तो अपलाई किया मैंने भी थैंक यू ही मिले 3 महीने हो गए। हाँ जी बई इदा ही है ये बई ने कमेंट किया अपना जो यूरोप लिए पोलैंड आप अपलाई किया है तो मैं उस कि बई मैं 1.5 लाख रुपया पे कर छड़ा बट मैनू भी थैंक यू मिले वा। तो बई ने कहा हाँ बई मैनू भी थैंक यू मिले 3 महीने हो गए तो बई मैनू 6 महीने हो गए कोई गल नहीं बई बन जूगा काम। उस तो बाद बई ने पूछा वा बई स्पोर्ट्स वीजे का किन्ना प्रोसैस टाइम लगता। बई टाइम बहुत लगता जो हम कैनेडा लिए फाइलों लगन दियाँ बई ये 2-2 साल का टाइम भी बई लगी जाता डेटा ही नहीं मिल रही लोगों को वैसी दी जड़िया टाइम बहुत लगता बई हूँ जोड़ा वा कैनेडा लिए। उस तो बाद बई ने पूछा वा बई हिंदी में वीडियो बनाओ। हाँ बई ट्राई करते हैं कोई नहीं बई आ हिंदी वाला जोड़ा वा सीन है ये भी कट्टा कट्टी कट कट ही देना वा तो बई ये हिंदी के वीडियो वा आप भी जरूर बनाया करांगे। भाजी जदों असी कुवैत अपलाई करते हैं तो कुवैत च पासपोर्ट कंपनी रख लेंदी है फिर वीजा स्टैंप किदां दा? नहीं बई जदों तुहाडा कुवैत का वीजा जो लगता वा वीजा स्टैंप बई तुहाडा इंडिया होंदा वा इत्थे आण के स्टैंप नहीं होंदा इत्थे आण के तुहाडा मैडिकल ते तुहाडा जिहड़ा वा वो वर्क परमिट जिहड़ा वा उही बणदा वा लगता वा इत्थे वीजा स्टैंप नहीं होंदा बई वीजा जिहड़ा वा तुहाडा इंडिया दे विच जिहड़ा वा उत्थे स्टैंप होणा वा। उस तो बाद वीर जी फिंगर भी डिलीट हो जाते हैं कि नहीं बई नहीं एक फिंगर हो गए ना इतने बई तुम क्रिमिनल जरा वा इतने की क्रिमिनल लिस्ट च आ गए तुहाडे फिंगर कदे भी डिलीट नहीं होने जे मान लो तुम इतने अनलीगल फड़े जाते जां कोई भी तुम इदा की एक्टिविटी करते जी इतों के लॉ के हिसाब न है ना अनलीगल तुहानू डिपोर्ट कर देंगे तुहाडे एक जी एयरपोर्ट से फिंगर हो जाते हैं वो बई नहीं चके जाते। उस तो बाद जरा वा दोबारा अपलाई इतने नहीं कर सकते तो इस करके बई ध्यान ना जिहड़े भी वीर इत्थे काम करदे आ कोई भी इहो जिहा काम ना करो वी तुहाडे ते कोई जिहड़ा वा इहो जिहा बाद विच एक्शन जिहड़ा वा लिया जावे। बट ये नहीं है कि तुसीं जे कुवैत तों डिपोर्ट हो गए जां कुवैत दे विच तुहाडे फिंगर हो गए आ ते तुसीं होर किते नहीं जा सकते तुसीं बई दुबई जां होर किते भी किसे भी कंट्री दा जिहड़ा वा अपलाई कर सकदे जे बट हाँ कुवैत दे विच वापस जिहड़ा वा तुसीं नहीं आ सकते ये ना ही तुहाडे जिहड़े आ फिंगर आ उह चक्के जाणे आ क्योंकि बई तुसीं इक इहनां दी तुहाडी क्रिमिनल हिस्टरी हो जांदी आ इत्थों दे लॉ दे हिसाब नाल तो इन्हों की जी तुम लिस्ट के आ जाते जो उस बाद जोड़े आते फिंगर वो नहीं चके जाएंगे। उस तो बाद वीर जी कवै इंडिया तो कुवैत किदा आई दिनी स्टडी ट्रक ड्राइवर लिए चाहिए बई नहीं कोई चक्कर नहीं है स्टडी वाला तो भावे 8 पास 5 पास जे ते को लाइसेंस हैगा वा इंडिया का तो तुम यह कंपनी से इंटरव्यू दो कंपनी सिलेक्ट कर लेंदी है जहाँ तो होर कि गल्फ के रिटर्न है जे तुम बई अपलाई करो तो कंप इतने जोड़ा वा कुवैत दे विच आ सकते स्टडी इन्नी मैटर नहीं करती बई हैगी इतने हाँ इतों तुम बाद अपलाई करना कितने होर ली जां कैनेडा ली जां कितने भी फिर तुम जी +2 चाहिए +IELTS चाहिए आ फिर तुम जी स्टडी चाहिए है उदा जो तुम इतें ही ट्रक चला तो फिर बई स्टडी मैटर नहीं करती चाहे तुम 5 पढ़े जे 8 पढ़े जे 10 पढ़े जे वो कोई चक्कर नहीं वो एक्सपीरियंस के बेस से जी तुम जॉब आ इतने वो ट्रक ड्राइवर लिए वो मिलनी है ना कि तुहाडी स्टडी के बेस से तुहाडे कोल लाइसेंस हैगा इंडिया का बई हैवी ना कि होर कंट्री का हैवी लाइसेंस हैगा वा तो तुम ईजीली जो कुवैत आ वह आ सकते तो ड्राइवरी कर सकते ट्रक की कोई चक्कर नहीं हैगा। तो हैलो बई पक्के लाइसेंस की भी ट्राई हुंदी आ ये बई ने कमेंट किया वा अपनी जी वीडियो आप लाइसेंस की बनाई थी इंडियन हैवी लाइसेंस की बिल्कुल बई पक्के लाइसेंस लिए जो वा तुहाडा वो ट्राई होनी होनी है पहले जो आप बई लर्निंग अपलाई कर करीदा वा उसके वास्ते जो ट्राई नहीं होंगे बट उस तो बाद जो तुम अपना 28 दिन बाद या 1 महीने या 2 महीने बाद जो भी पक्का लाइसेंस अपलाई करते जे फिर बई तुहाडी जी ट्राई आ होनी होनी है तो उसके वास्ते तुहाडा मऊआ ने सर्टिफिकेट भी लगना वा रेड क्रॉस दी जी क्रासा वा वह भी लगनिया वा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਈ ਹਿੰਦੀ ਵੋਇਸ ਮੇਂ ਬਣਾਓ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਿੰਦੀ ਵੋਇਸ ਮੇਂ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਈ ਟਾਈਮ ਦੀਜੀਏ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਫਰਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੇ ਐਨ ਪੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੈਤ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਬਈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।